हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल सो इन दिस पार्ट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स की जो कंट्रोल ड्रग्स होती है एब्यूसि ड्रग्स होती है कि जो हैबिट फार्मिंग होती है तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जिसका किस तरह से डिस्पेंसिंग होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन हॉस्पिटल तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है स्पेशली ऑन कंट्रोल ड्रग्स एंड देयर डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो जानते हैं ये लेक्चर के अंदर इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द हॉस्पिटल कि जिसके अंदर हम मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हॉस्पिटल uh, का जो मेन रोल है फंक्शन है डेफ़िनेशन जो हम कहे तो हॉस्पिटल तो एक क्या है तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से ट्यूशन है कि जहाँ पे पेशेंट की क्योर की जाती है एंड ऑल्सो इट्स ट्रीटमेंट पर उसके लिए हमें जरूरत पड़ते हैं ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की और वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को अच्छे से रन करने के लिए प्लस पेशेंट के अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है स्पेशलाइज एंड ट्रेन मेडिकल स्टाफ फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ तो इस तरह से पूरा हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है जो ऑलरेडी हमने फार्मेसी प्रैक्टिस के डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियो लेक्चर जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं उसके अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी की जो प्रैक्टिस करते हैं हम फार्मेसी की विद इन द हॉस्पिटल अंडर सुपरविज़न ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नॉन एज द हॉस्पिटल फार्मेसी कि फार्मेसी की प्रैक्टिस जो हॉस्पिटल के अंदर ही होती है तो वो हाँ कहा जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी प्लस जो हॉस्पिटल का जो प्रेमाइसिस होता है कि उसका हम प्रेमाइसिस का है या फिर उसका जो कैंपस का है तो उसके कैंपस या प्रेमाइसिस के अंदर जो फार्मेसी अवेलेबल है उसे भी हम कह सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फंक्शन कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन काम है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी के पास कि जो हॉस्पिटल के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है कि लाइक इन पेशेंट है एंड आउट पेशेंट ऑल्सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये अच्छे से मेडिकेशन को प्रोवाइड करते हैं एंड उसके लिए अपॉइंट किया जाता है फार्मासिस्ट को सो so फार्मासिस्ट की जो डिग्री और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस रखता है रजिस्टर फार्मासिस्ट है एंड लाइसेंस प्लस नॉलेज है टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिनस तो जैसे नॉर्मल मेडिसिनस का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा प्रीवियस थ्री पार्ट्स के अंदर तो ऐसे ही अब नेक्स्ट जो है कि जो कंट्रोल ड्रग्स होती है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है कि जिसके कारण पर्सन को वो मेडिसिनस का एडिक्शन हो सकता है तो उसका भी किस तरह से अच्छे से फार्मासस्ट फिजिशियन एंड नर्सिंग स्टाफ उसको अच्छे से हैंडल करते हैं इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल तो जैसे नॉर्मल मेडिसिन के लिए जो राइट्स है कि राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट तो राइट टाइम राइट डोज विदाउट डिले टू तो पेशेंट तो ऐसे ही जो सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस हम प्रोवाइड करना है विच इज़ बेस्ट सुटेबल टू पेशेंट वैसे ही जो कंट्रोल ड्रग्स है कि जो कंट्रोल ड्रग्स होती है कि जो स्पेशली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है तो ये मेडिसिनस का भी अच्छे से हैंडलिंग होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर की जिसके कारण उसका कोई किसी भी तरह से मिसयूज़ ना हो तो कोई मिस ना कर ले उसका कोई इस तरह से मिस हैंडलिंग ना हो उसके लिए जरूरी है अच्छे से उसका डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि ओपीडी एंड आईपीडी के अंदर अलग अलग जो कैप्सुलोजेज फॉर्म होते हैं या फिर टैबलेट या फिर इंजेक्शन तो वगैरह को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है ओ पी डी एज वेल एज आई पी डी के अंदर और जिसके अंदर फार्मासिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है तो अब हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ द कंट्रोल ड्रग तो जब आपके पास ये वाला नॉलेज हो रिगार्डिंग द कंट्रोल ड्रग्स तो उसके बाद आप अच्छे से उसके लिए सोच सकते हैं कि किस तरह से उसका डिस्पेंसिंग करना है एंड डिस्पेंसिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका सेफ डिस्ट्रीब्यूशन सेफली डिस्ट्रीब्यूशन करवाना क्यों जरूर है तो उसका कोई मिसयूज़ ना हो ओवरडोज़ ना हो और जो भी पर्सन उसको यूज़ करेगा वो उसका एडिक्शन ना हो जाए उसको या फिर उसका एडिक्टेड पर्सन ना बन जाए तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से ध्यान रख के इस टाइप की जो मेडिकेशंस है उसका डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल तो व्हाट इज़ द कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस सो कंट्रोल ड्रग आर सब्सटेंसेस दैट आर कंट्रोल अंडर द कंट्रोल सब्सटेंसिस एक्ट के जिसको हम सी एस ए शॉर्ट में कहते हैं कि वो एक्ट के अंतर्गत ये वाली जो जितनी भी जो मेडिसिन है उसको जो है वो प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है सो दीज एक्ट कैटेगराइज ऑल सब्सटेंसिस विच आर रेगुलेटेड अंडर फेडरल लॉ इन टू सीड्यूल्स तो इस टाइप की जो कंट्रोल ड्रग्स है उसके अलग अलग शेड्यूल्स बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पर उसके लिए अलग अलग जो हम कहते हैं कि किसी भी मेडिकेशंस के लिए जैसे रूल्स होते हैं एंड उसके रिलेटेड होते हैं अलग अलग रेगुलेशन तो वो रूल्स रेगुलेशंस और जो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसके बेस ऊपर ये मेडिसिंस को किस तरह से हैंडल करनी है किस तरह से उसको यूज़ करनी है वॉट आर इट्स सेफ डोजीज वगैरह के लिए ज़रूरी है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ पोटेंशियली डेंजरस दे आर टू यूज़ विदाउट डायरेक्शन कि उसका हैंडलिंग यूज और सेफ डोज़ उसका डिलीवर हो किसी पेशेंट को तो वो जरूरी है इसलिए ज़रूरी है कि ये मेडिसिन कैसे है कि डेंजरस है कि अगर कोई पर्सन विदाउट डायरेक्शन उसको यूज़ करता है कि विदाउट डायरेक्शन ये मेडिकेशंस यूज की जाती है तो पर्सन जो है वो उसका एडिक्टेड बन जाता है कि जिसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन जिसको हम फार्माकोलॉजिकली क्या कहते हैं ड्रग एडिक्शन सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन कि यहाँ पे जो हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि जब एक बार पर्सन ड्रग एडिक्टेड हो जाता है तो कंपलसरी उसको इस तरह से ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो पाउडर है तो पाउडर एक टाइप का ड्रग्स है कि जो एडिक्शन के लिए हो जाता है तो उसके बाद ये पर्सन इसी तरह से उसको अलग अलग रूट से कि कोई डायरेक्टली नजल रूट से भी इनहेल करता है इस टाइप के ड्रग्स को कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन लेता है प्लस कोई टैबलेट्स लेते हैं उसकी तो इस तरह से वो जो है इस टाइप की जो मेडिसिन के एडिक्टेड होने के बाद उनका कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और बिना उसके वो अच्छे से उसकी जो लाइफ है वो नहीं जी सकते प्लस वो एडिक्शंस के कारण उसके साइड इफेक्ट्स के कारण भी बहुत सारे और भी डिसीज़ जो है वो ये पर्सन में होती होती है और उसके अंदर जो हमने एक लेक्चर देखा था हेपेटाइटिस के बारे में तो उसका भी एक रीज़न था कि साइड इफेक्ट ऑफ दिस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कि जितनी भी ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट के कारण डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है शरीर के लीवर ऊपर तो इसे बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स इस टाइप की जो ड्रग्स है तो उसका किसी पर्सन को एडिक्शन ना हो और सेफ एंड इफेक्टिव यूज हो इसके लिए ये अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग टू अलग अलग सेड्यूल्स के अंदर ये मेडिसिन को क्लासीफाई किया जाता है तो इस तरह से जो पर्सन है वो बहुत सारे अलग अलग रूट से उसका जो है वो ये जो ड्रग्स कही जाती है कंट्रोल ड्रग्स तो कंट्रोल ड्रग्स को जब अनकंट्रोल तरीके से यूज़ किया जाता है विदाउट एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन के बिना डायरेक्शन के डायरेक्टली जब कोई पर्सन उसको यूज़ करने लग जाता है तो इस तरह से ये जो पर्सन है उसका बन जाता है एडिक्टेड या फिर उसका एडिक्शन हो जाता है पर्सन को और जिसके कारण फिर वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते तो ऐसी कंडीशन फॉर्म ना हो इसलिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं रेगुलेशंस है कि जिससे कंट्रोल ड्रग्स से कोई भी व्यक्ति जो है वो बच सके तो दीज आर डेंजरस ड्रग्स दीज आर डेंजरस कि फार्माकोलॉजिकली देखें तो देर आर सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स सो मैनी साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट तो एक तो एडिक्शन तो हो ही जाता है बट एडिक्शन के बाद जो कंडीशन आगे पेशेंट को फेस करनी पड़ती है कि वो एडिक्शन्स के कारण कंटिन्यूसली वो मेडिकेशंस उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसको डैमेज करते हैं कि उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी में आ जाता है लीवर डैमेज करता है किडनी डैमेज करता है अगर इन्हेलेशन से लेता है तो उसके लंग्स डैमेज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है तो इस तरह से बहुत सारे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये मेडिकेशंस के कि जब प्रॉपर मैनर में ना ली जाए एक्सेस अमाउंट में ली जाए और जब उसका हो जाए पर्सन को एडिक्शन तो यहाँ पे देखो ये टैबलेट्स जस्ट एज ए इमेज दिखाया गया है एंड लिखा है कि कंट्रोल सब्सटेंसेस डेंजरस अनलेस यूज एज डायरेक्टेड कि अगर आप उसको बिना डायरेक्शंस के यूज करोगे तो दे आर डेंजरस फॉर यू की अगर आप बिना किसी डायरेक्शंस के उसको यूज करोगे तो दे आर वेरी डेंजरस फॉर यू मस्ट बी यूज़ एज डायरेक्टेड कि प्रॉपर डायरेक्शन के साथ ही जो भी डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी डोज के अकॉर्डिंग के। कि डायरेक्शंस के अंदर कौन कितना डोज लेना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नक्की की जाती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी या फिर डोज उसके लिए सेफ़ है कि जिससे पर्सन को उसका एडिक्शन ना हो दिस ड्रग शुड कैप्ड अंडर लॉक एंड की इस तरह से जो लॉक दिखाया है तो लॉक एंड की के अंदर ये मेडिसिन को स्टोर करनी चाहिए बिकॉज इसका किसी भी तरह से मिसयूज ना हो या फिर उसका कोई मिस हैंडलिंग ना हो अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर देम कि हमने देखा था कि जो नॉर्मल मेडिसिन के लिए तो ड्रग रजिस्टर होता है बट जो कंट्रोल ड्रग्स होती है उसके लिए एक आप अलग से कंट्रोल ड्रग रजिस्टर जिसको कहा जाता है कि कंट्रोल ड्रग रजिस्टर तो ऐसा अच्छे से लेबलिंग करके एक आप एक अलग से ऐसा रजिस्टर बना के ये मेडिसिन की अच्छे से उसकी जो एंट्री होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर यूजेस तो वो अच्छे से रिकॉर्ड्स रखने चाहिए रिगार्डिंग दिस कंट्रोल ड्रग्स तो सेपरेट रजिस्टर की हमने यहाँ पे बात की लॉक एंड कीमे रखने की बात की डायरेक्शंस के साथ ही यूज़ करनी है और नहीं की तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू तो जो हम शेड्यूल्स की बात कर रहे थे कि डी ई ए के अकॉर्डिंग टू डी ई ए का फुल फॉर्म हम समझ लेते सबसे पहले कि जो अलग अलग गवर्निंग बॉडीज़ होते हैं ऐसे जो कंट्रोल ड्रग्स के लिए जो गवर्निंग बॉडी हम कहे तो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि जैसे एफ हमने सुना है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही ड्रग एनफोर्समेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन डी तो उसने ये इस टाइप की जो कंट्रोल ड्रग्स है कि कंट्रोल ड्रग्स को हम दूसरे वर्ड में कहे सिंपल तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स ये कैसे मेडिसिन से तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है उससे पर्सन जो है वो ड्रग का एब्यूज़ होता है दूसरे वर्ड में ये मैं यहाँ पे लिखूँ तो उसका एडिक्शन में लिख सकता हूँ कि एडिक्शन जो है उसका या फिर एब्यूज पोटेंशियल हाईएस्ट है तो शेड्यूल वन में जो भी हम कैटेगराइज करेंगे कि ऐसे मेडिसिन के जो लेने से हाईएस्ट अमाउंट में एडिक्शन जो है वो हो सकता है किसी पर्सन को तो वो है एब्यूस पोटेंशियल हाईएस्ट वाली शिड्यूल वन के कैटेगरी वाली ड्रग्स ऐसे ही शेड्यूल टू जो है वो उससे थोड़ा कम हाई शिड्यूल थ्री में मीडियम शड्यूल फोर लो एंड शिड्यूल वी मतलब कि शड्यूल फाइव लोवेस्ट एब्यूज पोटेंशियल तो है ही बट लोवेस्ट है सीड्यूल पांच वाली जो ड्रग्स है तो टोटल पांच इस तरह से कैटेगरीज उसकी बनाई जाती है बेज ऑन एब्यूज पोटेंशियल की बेज ऑन द एब्यूज पोटेंशियल दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर क्लासीफाई इन टोटल फाइव डिफरेंट टाइप्स एंड देट आर कॉल्ड एड्स सीड्यूल्स कि जो पांच अलग अलग कैटेगरी में उसको हम क्लासीफाई करते हैं बेज ऑन देयर एब्यूज पोटेंशियल तो दैट its schedule. The five schedules of the drug should not be confused with the five classes of drugs. अब ऐसा नहीं है कि जो पांच schedule है तो पांच अलग अलग क्लास की ड्रग है ऐसा नहीं है सभी अलग अलग क्लास की ड्रग भी schedule वन के अंदर add हो सकती है ऐसे ही शेड्यूल दो टू के अंदर भी चार या पांच अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाली ड्रग्स ऐड हो सकती है सेम फॉर शेड्यूल थ्री फॉर एंड फाइव तो इसका मतलब ये है कि इन सेम शेड्यूल इन सेम शेड्यूल देर आर थ्री और मोर फॉर ड्रग्स दैट ऑल हैव ए डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मेडिसिन ए है तो वो समझो कि फीवर की है सीड्यू दूसरी कोई मेडिसिन जस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम किस कि, कि समझो कि मैं एस सी एच वन में कोई एक तीन मेडिसिन को इंक्लूड करता हूँ तो एक फीवर की है एक समझो कि कफ एंड कोल्ड की है और तीसरी ऐसी है कि जो एनजाइटी वगैरह के लिए यूज़ की जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ ये तीनों के क्लास अलग अलग है कि ये एनाल्जेसिक एंटीपायरोटिक हो गई ये कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन हो गई और ये हो गई एनजाइटी की मेडिसिन तो उसका मतलब ये है कि तीन अलग अलग कैटेगरीज की ड्रग है और वो सभी को हमने शेड्यूल वन में रखा है बिकॉज तीनों का एब्यूज़ पोटेंशियल जो है वो हाइएस्ट है तो इसको हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कोई पांच अलग अलग, -अलग फार्माकोलॉजिकल क्लासेस के साथ अ डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ड्रग एकॉर्डिंग टू देयर मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एब्यूज पोटेंशियल की ये जो सीड्यूल्स है एक टाइप का डिफरेंट वे है कि ऑर्गेनाइजिंग द ड्रग्स एकॉर्डिंग टू द देयर एब्यूज पोटेंशियल तो अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्संस के लाइक नार्कोटिक्स है डिप्रेशन है स्टिम्यूल्स है हेल्यूसिन या फिर एनाबोलिक स्टेरॉयड तो ये पांचों शायद किसी एक शेड्यूल के अंदर भी हो सकती है कि लाइक शेड्यूल थ्री के अंदर इंक्लूड हो जाती है या फिर ये इस क्लास की कोई भी त्रीन मेडिसिन एस सी एच वन में है या फिर ये दो एस सी एच फोर में इंक्लूड होती है तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एस कि नार्कोटिक वन में आ गया डिप्रेशन टू स्टिम्यूल थ्री फोर फाइव दैट इज़ ए रॉन्ग वन कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं कोई एक ही शेड्यूल के अंदर भी ये पांचों क्लास की मेडिसिन जो है वो इंक्लूड हो सकती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से जब पर्सन एडिक्टिव हो जाता है इस तरह के ड्रग्स का या फिर जो उसके ये जो पाउडर्स होते हैं तो अलग अलग रूट से उसको जो है उसका वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करता है नजल रूट भी प्रेफर करता है कई बार डायरेक्टली टेबलेट्स की जो ओरल रूट से ले सकता है या फिर इंजेक्शन की जो डायरेक्टली अपने बॉडी के ऊपर सेल्फ मेडिकेशन से ही इंजेक्शन दे भी उसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है तो ये वाला टेबल आपको याद रखना है कंट्रोल ड्रग्स का कि जो हमने प्रीवियसली देखे कि अलग अलग ये टोटल पांच टाइप के सीड्यूल्स तो जिसमें हमने देखा कि शिड्यूल वन का एब्यूज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है हाईएस्ट एंड शिड्यूल फाइव का एब्यूज पोटेंशियल है लोवेस्ट तो उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो याद रखने हैं आपको फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो उसके जो एग्जाम्पल है कि लाइक हेरोइन है एल है मारी जुआना एंड साइलोसिबिन तो ये चार मेडिसिन ऐसी है, है कि अगर समझो कि आप एक या दो बार भी उसको यूज कर लेते हैं तो उसका जो एडिक्शन है वो आपको तुरंत हो जाएगा बिकॉज इट हैव ए हाईएस्ट एब्यूज पोटेंशियल सेम लाइक दैट उससे थोड़ा सा ही कम हाई एंड हाईएस्ट। सेकेंड शिड्यूल है हाई वाला जिसके अंदर मॉर्फिन है पी है एंड कोकेन ये तीनों का एडिक्शन पर्सनस को ज्यादा हो सकता है तो सिड्यूल वन का देखो आप मेडिसिनल यूज नो एक्सेप्टेड यूज लिमिटेड यूज फॉर रिसर्च पर्पस तो ऐसा कोई फार्माकोलॉजिकली इस टाइप के समझे कि हेरोइन किसी को प्रिस्क्राइब किया हो बहुत कम केस होते हैं सेम लाइक फॉर मारी जुआना है साइलोसिबिन है एलएसडी है तो ये सब ऐसे है कि जो सिर्फ कोई लोग एडिक्शंस uh, के लिए नशे करने के लिए ही यूज़ करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हैबिट फार्मिंग नारकोटिक ड्रग्स कि जो नारकोटिक ड्रग्स स्पेशली कि जो अलग अलग ड्रग्स की कैटेगरी में खास इंक्लूड होते हैं कि जो हाईएस्ट उसका एब्यूज पोटेंशियल है कि इस का लेवल कि समझो कि हम स्टार वाइज देखें तो उसको प्लस में देखें तो प्लस फाइव पॉइंट हमें दे सकते हैं इसके लिए समझो कि हाई एक ही पॉइंट कम करे तो एब्यूस पोटेंशियल फोर स्टार जितना एक्सेप्टेड यूज़ विथ रिस्ट्रिक्शन जैसे कि मॉर्फिन वगैरह है तो उसका हम बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हो किया जाता है शिड्यूल थ्री है मीडियम कि उसका जो एब्यूस पोटेंशियल हम देखें तो थ्री स्टार या थ्री प्लस कर सकते हैं लाइक एम्फेटामाइंस से एनाबोलिक स्टेरॉइड कोडिन विथ एस्पिरिन तो एक्सेप्टेड यूज विथ प्रॉपर डायरेक्शन अब लो तो उसका दो हम लिख सकते हैं एक एक पॉइंट जो हम डिक्रीज कर रहे हैं तो डाइजेपाम है एम्बियन है जेनाक्स है वगैरह एंड लोवेस्ट किस जो कि एक ही प्लस रखे कि लाइक ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कंटेनिंग कोडिन कि जो कोडिन की सिरप का काफ़ी क्रेज़ है कि जो ड्रग्स के तौर पे कोडिन की जो सिरप है वो यूज़ करते हैं कि जो नशे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये इसका जो एब्यूज पोटेंशियल है वो लोवेस्ट है बट ऐसा नहीं है कि एब्यूजिव नहीं होगा प्लस भी समझो कि ये प्लस एक बार लिया आपने सेकंड टाइम लिया थर्ड टाइम फॉर फाइव टाइम आप कंटिन्यूसली लेके तो पांच बार मिलाकर, फिर ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा फाइव स्टार जितना तो जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे डोजेस बढ़ाओगे रेगुलरली लेते जाओगे तो ये भी आपके लिए एक समय पे काफ़ी एब्यूजिव हो जाएगी और फिर आप उसके हो जाएंगे एडिक्टेड कि बिना डायरेक्शंस के आप ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन वाली ओ जो ड्रग्स होती है डायरेक्ट ले लेंगे कंटेनिंग कोडिन तो आगे जाके वो भी आपको एडिक्शन करेगी तो ये जो पांच कैटेगरी वाली ड्रग्स है वो सभी कंट्रोल ड्रग्स है कि वो कुछ ऐसी है कि जो हाईएस्ट उसका एबूस पोटेंशियल और किसी का लोवेस्ट है बट कंक्लूजन यही है कि ये सभी ड्रग्स है वो लास्ट में जाके पर्सनस को उसका एडिक्टेड बना सकती है तो जो मोस्ट कॉमनली एब्यूज ड्रग है कि आर एक्स के साथ कई बार ली जाती है या फिर कई बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग ले लेते हैं तो आप देख सकते हो कि एन आर एक्स यहाँ पर लिखा है कि जो पेन रिलीवर ओपियोड नार्कोटिक्स है जिसके कारण उसके सिंबल के आगे एन और आर एक्स लिखा है नॉर्मल आर एक्स नहीं है बिकॉज एन इज इक्वल टू नार्कोटिक तो जिसके अंदर मॉर्फिन सल्फेट के टैबलेट्स वेरमर टेन टेन इंटू फाइव इंटू टेन टैबलेट्स का पूरा उसका एक ब्लिस्टर है सो so, ऑक्सीकोडोन ऑक्जिकोन्टिन परकोसेट हाइड्रोकोड कोडिन मॉरफिन तो मॉर्फिन का ये जो कोरेक्स जो ब्रांड है तो कोरेक्स अल्कोहल फ्री कोडिन फ्री कहा जाता है बट कई बार उसके अंदर कोडिन जो है वो अवेलेबल होता है जिसके कारण पर्सन जो है वो एडिक्टेड हो सकता है तो अच्छे से ये कप सिरप्स के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि कोडिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और इस टाइप के लेबलिंग अच्छे से ध्यान कर चेक करके ही उसको यूज करना होता है कि अगर आप ओ में ले लेते हो गलती से और उसके अंदर यहाँ पे तो लिखा है कि कोडिन फ्री तो यू आर सेफ बट कोडिन है और बिना किसी आप डायरेक्शंस के उसके एक्सेसिव यूज़ कर लोगे तो फिर वो सिरप का भी आपको एडिक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कोडिन तो ये जो है ध्यान रखना होता है कि ये जो पेन रिलीवर्स के तौर पे हम यूज करते हैं ओप्यूड से नार्कोटिक एनालिस्क भी उसको कहा जाता है कि नार्कोटिक एनालजेसिक कि एनालिस्क का सिंपल जो बेसिक यूज हमने जाना था बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन वाले जो हमारी पॉपुलर वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर कि तो पेन रिलीवर के लिए यूज़ होते हैं बट जब ये नार्कोटिक्स होते हैं एनालजेसिक्स के अंदर भी तो वो क्या कर सकती है एब्यूज ड्रग्स है मतलब कि ये जो आप कंटिन्यूसली लोगे तो उसका हो सकता है एडिक्शन तो ये ध्यान रखना है आपको रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ मेडिसिन सेकेंड है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट लाइक सेडाटि है ट्रांकिलाइजर एंड हिप्नोटिक्स तो उसको भी कई बार मिस यूज किया जाता है लाइक like बारबी के अंदर मेबारल एंड नैम्ब्यूटाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेबारल 32 टू की टैबलेट्स अवेलेबल होती है एंड सेकोनल 100 एम के अंदर उसकी कैप्सूल अवेलेबल होती है एंड नैम्ब्यूटॉल हंड्रेड एम की भी कैप्सूल्स जो है वो यूज की जाती है अगर एज पर द फिजिसियंस डायरेक्शन प्रॉपर सेफली आप यूज करते हैं तो दे आर सेफ बट एक्सेसिव अमाउंट में ली जाती है तो वो फिर हो जाती है आपके लिए एब्यूज ड्रग्स फिनो के बाद या फिर बार्बीच्यूरेट्स के बाद जो सेकंड है बेंजोडाइजेपि जिसके अंदर वैलियम एंड जेनेक्स कि वो भी एक टाइप की हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स बन जाती है कि जब आप उसको मिस करते हैं एंड एक्सेसिव डोज में लेते हैं सो दीज आर सी एन एस डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली एब्यूज ड्रग्स थर्ड कैटेगरी इज स्टिम्यूलेंट्स यूज टू ट्रीट एटेंसन डिफिट डिसऑर्डर्स नेक्रोलेप्सी एंड वेट लॉस तो जब प्रॉपर डायरेक्शन के साथ उसको यूज किया जाता है तो दे आर सेफ बट जब उसका मिसयूज किया जाता है कि लाइक डेक्सट्रो एम्फेटामाइन डैक्सीड्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं डैक्सीड्रीन की टैबलेट्स की डेक्सा एम्फेटामाइन उसके अंदर मेन जो है वो ए पी आई है एक्टिव फार्मासुटिकल इंग्रेडियंट की जो मेन ड्रग है और ये उसका ब्रांड नेम तो डेक्सट्रेडिन ब्रांड नेम से ये जो है वो काफ़ी फेमस है कि जो स्टिमुलेंट का काम करती है अलग अलग डिसऑर्डर्स को यूज ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है उसके बाद सेकंड है मिथाइल फेनीडेट लाइक रिटालिन के नाम से वो फेमस है रिटालिन उसका ब्रांड नेम है तो उसके अंदर जो मेन ड्रग है वो है मिथाइल फेनिडेट मिथाइल फेनिडेट तो ये दोनों कंट्रोल ड्रग है डेंजरस ड्रग है और वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली एब्यूज ड्रग्स के कैटेगरी में ऐड होती है कि जब हेरोइन से कोकेन से मारिजुआना वगैरह अवेलेबल नहीं होते तो पर्सनस एडिक्शंस जिसको हो जाता है वो ये टाइप के मेडिसंस को भी यूज़ करके अपना जो है वो एडिक्शन को जो है वो फुलफिल करने का काम करते हैं और समझो कि आपको कोई ट्रीटमेंट चल रही हो और इस टाइप की मेडिसिन का ओवरडोज हो जाए और एक्सेस अमाउंट में आप लेने लग जाते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन तो उस वक्त भी ये मेडिसिन से आपको एडिक्शन हो सकता है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस टाइप ऑफ कंट्रोल ड्रग कि इस टाइप के मेडिसिन का मिसयूज होने से हम कैसे रोक सकते हैं तो उसी के लिए ये जो प्रोसीजर है हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस के अंदर की प्रोसीजर्स फॉर दिस टाइप ऑफ वेरियस कंट्रोल ड्रग की जो नॉर्मल फार्मासिस के ऊपर पहले तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्स ये टाइप की मेडिकेशंस आपको नहीं मिलेगी तो उसका प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले ये पॉइंट समझे कि मेडिकल सुप्रिन्टेंडेंट इज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ दिस कंट्रोल ड्रग की जो भी हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल के मेन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हैंडलिंग ऑफ दिस कंट्रोल ड्रग उसके बाद चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर प्रोक्योर मतलब कि जो परचेस करने का काम होता है वो होता है चीफ फार्मासिस्ट के पास प्लस उसको अच्छे से स्टोर करने का एंड डिस्पेंस द ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्सन of this narcotic and habit forming control drugs doctors order for administration of this control drugs ki jisko hum kehte hai uska narcotic prescription और उसी के basis पे ही ये medicines को patient को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है with their proper डोजेस सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कि जो मेन फिजिशियंस uh, होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हम कहें है कि जो मेन डॉक्टर uh, है या फिर अटेंडिंग फिजिशियन है या फिर मेडिकल सुपरिनटेंडेंट है हॉस्पिटल के तो वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पर्सन है फॉर दिस कंट्रोल सब्सटेंस सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड

सेफली वो मेडिसिन का हैंडलिंग हो तो ये जो फंक्शंस है वो रहेंगे ये मेन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल सो नेक्स्ट है कि हाउ टू ऑर्डर दिस कंट्रोल ड्रग्स तो जब किसी वार्ड के अंदर इस टाइप की मेडिकेशंस की जरूरत है तो रिक्वेस्टिज्म फॉर वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस is completed by insertion a check mark opposite the name strength form of the control substance desire before any new control substance are issued to ward तो क्या किया जाता है ये वाला आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि requisition slip या फिर एक form है वो भरा जाता है कि समझो किस तरह से hospital pharmacy तो कौन सा वर्ड वर्ड नंबर समझो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाँच कोड है समझो कि को एक्स वाई जेड कोई कोड है डेट है फोर्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जो भी उस टाइम की डेट है तो जो भी मेडिसिन चाहिए तो उसका ये डोजेस फॉर्म के टैबलेट या फिर कैप्सूल तो उसकी आप क्वांटिटी लिखते हैं कि टेन टैबलेट्स चाहिए ट्वेंटी टैबलेट्स ट्वेंटी टैबलेट्स ऐसे या फिर जो भी आइटम्स चाहिए उसका यहाँ पे नाम और उसकी प्राइस साथ में स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंट्रोल सब्सटेंस डिजायर उसकी जो स्ट्रेंथ भी साथ में कि कोडिन सल्फेट चाहिए उसकी स्ट्रेंथ लिखो साज सामने मॉर्फिन सल्फेट सेम उसकी जो भी स्ट्रेंथ में चाहिए आपको 5 एम जी टेन एम जी फिनोबारबिटोन जो भी आपको डोज चाहिए उसकी स्ट्रेंथ एंड सेम लाइक दैट एम्फेटामाइन तो इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करके अच्छे से बना के ये जो रिक्वेस्टिज्म फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जाता है टू द चीफ फार्मासिस्ट टू ऑर्डर दिस कंट्रोल ड्रग फॉर दैट पर्टिकुलर वार्ड एंड टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट सो दिस आर कंट्रोल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एन एक्ट की जो 1985 कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो प्रिस्क्रिप्स है जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट का फुल नेम उसके बाद उसका एड्रेस जो डेट है प्रिस्क्रिप्शन की वो नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग क्वांटिटी ऑफ ड्रग सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर एंड लास्ट में डोज एंड रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से जो है वो लिखे जाते हैं कि समझो कि नार्कोटिक ड्रग का समझो कि प्रिस्क्रिप्शन है तो बाजू में जो भी हम ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाला जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग टू आप जो है वो प्रॉपरली कि समझो कि नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन है तो आगे ये एन आर एक्स जो है वो लिखा होगा नार्कोटिक नारकोटिक एन एनआरएक्स की पेशेंट्स का नेम यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट्स नेम फिर उसका एड्रेस फिर डेट जो ही लिख सकते हैं नीचे सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर जो भी मेडिसिन है कि समझो कि मॉर्फिन है तो मॉर्फिन लिखा जाएगा उसकी जो क्वांटिटी की कितनी टैबलेट्स चाहिए तो समझो कि टेन टैबलेट्स उसकी क्वांटिटी आप लिख लेते हैं उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कि मॉरफिन जस्ट में समझो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 एम लिखता हो प्लस उसकी स्ट्रेंथ कि 101 जो भी डोजेस 5 डेज के लिए चाहिए प्लस नीचे जो सिग्नेचर है जो भी प्रिस्क्राइबर उसकी सिग्नेचर करेगा डेट लिखेगा डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से रूट से दिया जाएगा कि टैबलेट है तो ऑब्वियसली ओरल ही दी जाएगी तो इस तरह से ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हैंडल किया जाता है सो इफ द रिक्वायर्ड ड्रग इज नॉट इन स्टॉक द कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटर्न ऑन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साइन तो ये वाला पॉइंट आपको समझना जरूरी है अच्छे से कि समझो कि वो मेडिसिन स्टॉक में अवेलेबल नहीं है ये पॉइंट समझो ड्रग इज नॉट इन स्टॉक जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन तो लिखा जाएगा बट प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म बाय रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साइन कि वहाँ पे जो भी नारकोटिक का प्रिस्क्रिप्शन हो गए वहाँ पे पेशेंट का नाम है एड्रेस है डेट एज जेंडर डॉक्टर सिग्नेचर वगैरह जो है वो अच्छे से फिलअप किए जाएंगे एंड डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी टू वर्ड शुड बी कैरिड आउट बाय रिलायबल पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है विश्वसनीय जो कोई व्यक्ति है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं रिलायबल या फिर ट्रस्ट कर सके आप ऐसा कोई पर्सन तो ऐसे ही पर्सन के थ्रू ये मेडिसिन को कैरी किया जाता है एंड एक वार्ड से अलग दूसरे वार्ड में या फिर जो सेंट्रल फार्मेसी से वार्ड की ओर आप उसको भेजोगे आफ्टर डिस्पेंसिंग द नर्सिस रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंटरी कि जो भी इन्वेंटरी होती है तो वो कंट्रोल ड्रग रजिस्टर के अंदर ऐड किए जाएगी तो आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सिस रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है नर्सिस के बाद बिकॉज सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया बाय डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशंस दे देता है और फिर वो मेडिकेशन कोई सेफ पर्सन के थ्रू कहाँ पे पहुंचाई जाती है वार्ड के अंदर और वो वार्ड के अंदर जो नर्सिस है वो अच्छे से उसको हैंडल करके पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करती है सो नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंटरी अगर ये पॉइंट आप समझना है कि इफ़ पेशेंट रिफ्यूज और डॉक्टर कैंसल एनी डोज नर्स सो डिस्ट्रॉय द ड्रग इन टू दिंक एंड रेकॉर्ड रिफ्यूज बाय पेशेंट और कैंसल बाय डॉक्टर ये जो रजिस्टर में समझो कि कोई टैबलेट्स थी कि समझो कि लिखा था मॉरफिन ही थी तो मॉरफिन का कोई डोज लेने के लिए जो है पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है या फिर सेम मेडिकेशंस को कैंसिल की जाती है बाय डॉक्टर तो जो भी मेडिसिन आपके पास आई है और उसको समझो कि आपने रिमूव करके रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो उसको जो है क्या करना है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है डिस्ट्रॉय इन सिंक जिससे कोई पर्सन उसका मिसयूज़ ना कर सके To uh, this was proper detail regarding the prescriptions of narcotic drugs So, this is regarding the uh, dispensing and distribution of these control drugs So, if you like the content of this lecture Must like the video Share the video and also subscribe the channel and press on bell icon Message to join our WhatsApp group by sending your name, city name and WhatsApp it to Nine four two six one eight zero three six. Use our app FarmerOx Android app on Google Play for study material, test series, and video lecture, which are available topic-wise on our mobile application. So, must use this app Rocks Android app on Google Play. Good luck and all the best.